हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद राजा में। दोस्तों, आपने हमेशा से ही दुनिया की खूबसूरत महिलाओं और अभिनेत्रियों के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें हम किन्नर बोलते हैं, जिनकी खूबसूरती बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ देती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसी खूबसूरत किन्नर के बारे में बताएंगे जिनकी खूबसूरती लोगों को दीवाना बना देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी दुनिया की खूबसूरत किन्नरों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 पे हैं एमेलिया माल्तेपे। दोस्तों, एमेलिया माल्तेपे एक मॉडल हैं जिनकी खूबसूरती की आज पूरी दुनिया दीवानी है। ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं, लेकिन प्रेजेंट में जापान में रहती हैं। एमेलिया माल्तेपे मॉडलिंग की दुनिया की जानी मानी हस्ती हैं, और जब ये एक सक्सेसफुल मॉडल बन गई थी तब इन्होंने दुनिया को खुद बता दिया था कि वो एक किन्नर हैं। नंबर 2 पे हैं कारमेन करेरा। कारमेन करेरा अपनी खूबसूरती से बड़ी बड़ी हॉलीवुड हीरोनों को भी मात दे देती हैं। 38 साल की कारमेन करेरा को लोगों से बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती कि वह एक किन्नर हैं, और आज वह एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्ट्रेस हैं। कारमेन ने कई रियलिटी शो, टीवी शो और कई फिल्मों में काम किया है। इसके साथ साथ वह सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। नंबर 3 पे हैं जेना तालकोवा। दोस्तों, जेना कैनेडियन मॉडल और टीवी एक्ट्रेस हैं। इनकी उम्र 34 साल है और साल 2012 में इन्होंने मिस यूनिवर्स कनाडा कॉम्पिटिशन में भाग लिया और वह जीत भी गयी। उसके बाद ये इतनी फेमस हो गयी की आज इनके एक फोटो शूट के लिए बड़े बड़े ब्रांड इनसे संपर्क करते हैं। नंबर 4 पे हैं विशेष हुइरेम। विशेष हुइरेम एक ऐसी ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिनकी बला की खूबसूरती बड़ी बड़ी एक्ट्रेसों को भी मात दे देती है। 28 साल की विशेष इंडिया से ही हैं और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और ये मिस इंटरनेशनल क्वीन फॉर ट्रांसजेंडर 2016 भी रह चुकी हैं, और ये मणिपुर की कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। नंबर 5 पे हैं एंद्रेजा पेजेक। दोस्तों, एंद्रेजा पेजेक काफी खूबसूरत और फेमस ऑस्ट्रेलियन मॉडल हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि ये एक ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन जब ये मॉडलिंग की दुनिया में काफी फेमस हो गई तब इन्होंने दुनिया के सामने बताया था कि वह एक किन्नर है, और तब से लेकर आज तक वह किन्नर समाज को काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और लोग भी इनकी सच्चाई को सुनकर इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करने लगे हैं। नंबर 6 पे हैं तलाश जान। दोस्तों, तलाश जान एक पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर हैं, और ये अपनी खूबसूरती की वजह से ही सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, लेकिन उससे पहले ये कुछ पैसों के लिए मौत के कुआं जैसे खेल में भी काम किया करती थी। लेकिन आज ये एक फेमस और खूबसूरत ट्रांसजेंडर हैं जो 100 के लाखों रुपए चार्ज करती हैं। ये दुनिया की फेमस किन्नरों में से एक मानी जाती हैं। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि इनकी फोटो को देखने के बाद लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। नंबर 7 पे हैं वैलेंटिना सैंपियो। दोस्तों, वैलेंटिना ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं। वैलेंटिना सैंपियो ब्राजील के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। इनके गांव में काफी गरीबी और अशिक्षा है, ऐसे में वहां पर किन्नर जाति को लोग आज भी अपमान की नज़र से ही देखते हैं, और इसी वजह से ये किन्नर समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। वैसे तो पेशे से ये एक मॉडल हैं जो आज काफी ज्यादा फेमस हैं, और 2017 में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल बनी थी जिन्हें बहुत ही ज्यादा फेमस मैगजीन के कवर पेज में देखा गया था, और आज ये दुनिया की खूबसूरत किन्नरों में से एक मानी जाती हैं। नंबर 8 पे हैं खुशी शेख। दोस्तों, खुशी शेख एक फेमस ब्यूटीफुल ट्रांसजेंडर मॉडल हैं जो इंडिया की रहने वाली हैं और प्रेजेंट में मुंबई में ही रहती हैं, और आज इन्हें इंडिया में ही नहीं विदेशों तक के लोग इनके दीवाने हैं। ये सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी किन्नर सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।